सलोनी केशव जी का सवाल है कि सर जॉब के साथ बीटेक कैसे करें, एग्जाम टाइम पर कैसे मैनेज करेंगे। तो सलोनी जी एक चीज एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप जॉब के साथ बीटेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी बीटेक है, उसके हिसाब से ही बाकी सारे आप डिसीजन लेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे वो पॉलिटेक्निक कर रहा है चाहे वो बीटेक कर रहा है, ये आपको हमेशा क्लियर रखना है कि जब आप जॉब के साथ बीटेक करते हैं तो हमेशा जो आपकी बीटेक है वही आपकी टॉप प्रायोरिटी रहती है। ऐसे में अब जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे होंगे, वो दो कंपनियां नॉर्मली दो टाइप की होती हैं, जो जहां पर इजीली छुट्टियां मिल जाती हैं या फिर जल्दी से छुट्टी नहीं मिलती। तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि जहां पर आप काम कर रहे हैं आपको पता होगा कि वहां पर छुट्टी इजीली मिलती है या नहीं। अगर वहां पर छुट्टी इजीली मिल जाती है तो ऐसे में आप फालतू छुट्टी ना लें और एग्जाम के टाइम पे इजीली आपको वहां पर छुट्टी मिल जाएगी। इन केस वो कंपनी थोड़ी लिचर टाइप की रही जहां पर जल्दी से छुट्टी नहीं मिलती, तो ऐसे कंडीशन में आप फिर वही बात कि पहले छुट्टियां ज़्यादा ना लें और जो आपके जो मैनेजर हैं, जो टॉप लेवल हैं, उनको पहले से ही बोल दें सर मैं फालतू छुट्टी नहीं ले रही हूं। अगर अभी मैंने एग्जाम अपने मैंने भरे हुए हैं, मैंने बीटेक के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं कि मैंने एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, इसके जब एग्जाम आएंगे तो उस टाइम मैं हर हाल में छुट्टी लूंगी, इसीलिए मैं पहले फालतू की छुट्टी नहीं ले रही हूं। अगर ये चीज़ें आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको पहले ही बोल के रखेंगे तो श्योर है कि उस टाइम आपको छुट्टी लेने से कोई मना नहीं करेगा, किसी भी तरह की रोक टोक आपके साथ नहीं होगी। अब एक केस मान के चलते हैं कि सिचुएशन ऐसी हुई कि उसके बावजूद उन्होंने आपको उस टाइम छुट्टी देने से मना कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि अगर ऐसा लगा कि उस सिचुएशन में आकर उन्होंने कहा नहीं भाई बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया अब हम नहीं दे सकते छुट्टी, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप बैकअप में आप मेडिकल वाला रखेंगे। तो पहले से किसी MBBS डॉक्टर से बात करके रखें, तो उस दौरान अगर जरूरत पड़ी तो मेडिकल वहाँ से उनको बोल देना और वो मेडिकल सर्टिफिकेट वो दे देते हैं, वो आप वहाँ पर लगा दीजिए और आराम से उस पीरियड को, अपने एग्जाम पीरियड को वहाँ पर अपनी मेडिकल छुट्टी में अच्छे से एग्जाम देकर निकाल दीजिए। अगेन इसके अलावा एक चीज़ हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें आप कि अपनी जॉब को लात मारने के लिए भी। जी हाँ, जब आप साथ में पॉलिटेक्निक या बीटेक करते हैं जॉब के साथ, तो ऐसे में हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर लास्ट सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मुझे अपने एग्ज़ाम देने हैं या फिर मुझे जाके अपने कंपनी में जाना है, तो ऐसी कंडीशन में आपका डिसीजन पहले ही क्लियर कर लीजिए, अभी उस टाइम में अपनी जो एग्ज़ाम होंगे उसको चुनूंगा। ये कब हो पाएगा, अगर आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें कि इन केस अगर मुझे लात मारनी भी पड़ी या मुझे निकाल भी दिया गया मेरे एग्जाम की छुट्टियों के जाने के बाद, तो वहां पर आपने को नहीं रखा, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर इतना कैलिबर, इतनी टैलेंट होगा कि आप किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देके मजे से आप वहां पर ज्वाइन कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं या तो वहां पर आप एवरेज एम्प्लॉई हैं या फिर वहां आप हरामखोर के जो लेजी एम्प्लॉई हैं उसके अंतर्गत आप आते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि प्राइवेट कंपनीज में जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो अचीवर होते हैं या फिर जो बहुत हाई परफॉर्मेंस जो दे के रखते हैं, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कभी छुट्टी के लिए मना नहीं किया जाता। छुट्टी कम हो सकती है लेकिन अगर वो पहले ही बोल देता है भैया काम मैं कर रहा हूँ बढ़िया लेकिन उस दौरान मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए, अगर आप दोगे तब भी जाऊँगा, नहीं दोगे तब भी जाऊँगा, जब ऐसी क्लैरिटी आप रखते हैं तो कभी कोई मना नहीं करता। तो सलोनी जी ये क्लियर कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के वाले एम्प्लॉयज़ में आते हैं, हरामखोर टाइप के या एक एवरेज एम्प्लॉय के तौर पर या एक जो ब्रिलियंट हाई परफॉर्मर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें। तो हमेशा एक समझिएगा कि इस तरह का डर की छुट्टी नहीं मिलेगा, ये अक्सर जो लोअर परफॉर्मर और जो एक मीडियम एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ रहता है। अगर आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली अपने उसमें वर्क करते हैं और हाई परफॉर्मेंस आपकी है तो ऐसे में आपको कभी भी छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डरना नहीं पड़ेगा, जब बोलेंगे आपको तब मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा कि हमेशा इंटरव्यूज लगातार देते रहिए। एक गलती बहुत बड़ी होती है हमारे साथ जब हम प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं कि जब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, किसी कंपनी में अच्छा आप अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे में कभी भी आप ये नहीं सोचते कि अपना मैं रिज्यूम अपडेट रखूं या मैं लगातार इंटरव्यू देते रहूं, तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आती, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। हमेशा जब आप प्राइवेट कंपनीज़ में हैं तो लगातार दूसरी कंपनीज़ में इंटरव्यू देते रहिए, चाहे हालांकि आप ज्वाइन मत कीजिए, आपकी वहाँ कंपनी अच्छी चल रही है, आपका जॉब अच्छा चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार इंटरव्यू देने से ये होगा कि जब आपके वहाँ सिलेक्शन होंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई आपको जॉब छोड़ने की जरूरत पड़ी अपने एग्जाम की वजह से, तो उस कंडीशन में आपको आप इतना भी नहीं हिचकेंगे कि ये डिसीजन लेने के लिए अरे छोड़ो यार ऐसी तैसी इस कंपनी की, मेरे अंदर एबिलिटी है, लगातार मैं इतनी इंटरव्यू देती रहती हूँ, सिलेक्शन मेरा हो जाता है, तो नेक्स्ट कंपनी में भी मैं एग्जाम देकर निकल जाऊंगी तो मजे से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाई परफॉर्मर बनना पड़ेगा। प्राइवेट में दबा के काम करें, नॉर्मली आप देखने अगर किसी की 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है तो उसके बदले में ईमानदारी से अगर हम देखें कितना काम देते हैं, जो हरामखोर होते हैं 10 हज़ार का काम नहीं करते, जो थोड़े एवरेज होते हैं 25 हज़ार के बदले 25 हज़ार काम करते हैं, लेकिन ऐसे सुपर परफॉर्मर होते हैं जो 25 हज़ार की सैलरी में 50-50, 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख तक की लेवल का काम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की
डिमांड हर कंपनी में रहती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और समझ लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो जितनी भी उसी टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनकी निगाह में आप लोग रहते हैं। हमेशा क्या होता है वहाँ से कंपनी से ऑफर आते रहते हैं। इसके अलावा जो सीनियर आपके साथ किसी ने जूनियर सीनियरों ने आपने काम किया होगा, और जब वो कंपनी छोड़ के जाते हैं तो उनकी निगाह भी उनसे टच में भी आपका हमेशा बना रहता है। जब उनको पता होता है कि भाई ये बहुत अच्छा काम करती है, तो कभी जब आपके सीनियर छोड़ के जाके दूसरी कंपनी में है और उन्हें पता चला कि अभी ये खाली है या फिर इसने जॉब छोड़ दी अपने एग्जाम के चक्कर में, तुरंत आपको वहाँ से वो अपने पास बुला लेगा कि भाई ये बहुत बढ़िया काम करती है, ये अगर कंपनी में मेरे साथ आ गई तो मेरे को और बेनिफिट होगा, मुझे आसानी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है कि भाई एग्जाम के टाइम क्या होगा। तो उम्मीद है आपका सवाल बहुत अच्छा था और ये बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके दिमाग में था। तो कुल मिला के इसका मैं आंसर दे चुका हूँ। इसके फिर भी आपको अगर कोई डाउट, कोई किसी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।